इन दो चेहरों को देखिए जिसे जमशेदपुर पुलिस ने पकड़ा है। दोनों रिश्ते में माँ बेटे हैं। बेटा घरों में चोरी के बाद जेवर को अपनी माँ के पास छिपा देता था। चोरी के बाद वो भागकर पश्चिम बंगाल में पनाह लेता था और माँ जेवर को ठिकाने लगाने के लिए जमशेदपुर में रहती थी। छठ पूजा वाले दिन चोरी जुगसलाय बाटा चौक स्थित अनिल अग्रवाल के घर हुई थी। चोरी के आरोप में अजहर नामक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। अजहर का अपराध की दुनिया में नाम पॉकेटमार उर्फ पीएम है। उस पर कई थाने में मामले दर्ज हैं। ये जानकारी एसएसपी कौशल कुमार ने जुगसलाई थाने में दी। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर यानी छठ पूजा के पहले अर्ध्य वाले दिन जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित यमुना अपार्टमेंट में मोहम्मद अजहर ने चोरी का प्रयास किया था, जहां से सफल होने के बाद उसने जुगसलाई बाटा चौक निवासी अनिल अग्रवाल के घर घुसकर ताला तोड़ के 20 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपये नकद पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना वाले दिन अनिल अपने परिवार के साथ नदी घाट पर अर्ध्य देने गए थे। कार्रवाई करते हुए उनका जो टेक्निकल एविडेंस थे सीसीटीवी फुटेज के रूप में और जो ह्यूमन इंट थी मानवीय सूचना थी उसके आधार पर इसका नाम निकल करके सामने आया और यह वहां से भाग करके बंगाल चला गया था और जो अपना सामान था वो सारी अपनी माँ के पास इसने रखा हुआ था। फिर उसको वहां पर जाकर के विधिवत पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। वहां से गिरफ्तार कर करके उसको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ ले करके आया गया और फिर उसकी माँ के पास से ये सारा जो सामान है वो बरामद हुआ है। इन दोनों अपराध कर्मियों के नाम की बात करें तो अजहर इमाम उर्फ पॉकेट मार उर्फ पीएम इसका नाम है, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के अभी तक 10 कांड जो हैं पहले से इसके ऊपर चले आ रहे हैं, जिसमें बिष्टुपुर में 5 कांड है, मानगो में 1 कांड है, आदित्यपुर में 2 कांड है, कदमा और गुलमुड़ी में 1-1 कांड है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में लगातार इसके द्वारा इसी प्रकार की गृहभेदन की और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो इसमें एक अच्छी पुलिस को सफलता मिली है और जितना भी सामान इसमें इसके द्वारा गृहभेदन के बाद चोरी किया गया था वो लगभग सारा का सारा सामान बरामद किया गया है, जिसका कुल मूल्य तकरीबन 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकता है।